बोलिए ना दीदी, क्या वाकई में जो परी काकी ने कहा वो सब सच था? सच में मेरी रियल मम्मी बुरी थी ना? बोलो ना, बोलो ना, चुप क्यों हो दी आप? परिधि, परिधि सुनो बेटा, जिद मत करो परिधि, तुम जो कर रही हो गलत है परिधि। परिधि, परिधि रुक जाओ। परिधि रुक जाओ, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी गोलू पोलू को घर से बाहर मत करो। माफ करना काकी जी। इनफ परिधि, तुम होश में हो? तुम क्या कह रही हो? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? छोड़ो उसे। आप चाहते हैं ना कि ये लड़की यहाँ रहे, तो ठीक है, उसके लिए फिर आपको एक फैसला करना होगा। या तो इस घर में मैं रहूंगी या तो राशि रहेगी। परिधि, तुम जानती हो मेरे लिए फैसला करना कितना मुश्किल है। मैं तुम दोनों में से किसी एक को चूज नहीं कर सकता। आपके लिए शायद पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत आसान है। परिधि जिद मत करो। आप चाहे कुछ भी कहें गोपी, लेकिन मैं इस गंदे खून को इस घर में नहीं रहने दूंगी। बस परिधि, बस। बार बार गंदा खून बोलकर तुम सिर्फ राशि की ही नहीं, मेरे खून का भी अपमान कर कर, क्योंकि जैसी भी थी राधा मेरी बहन थी। परिधि, राधा ने जो कुछ भी किया, माना वो सब कुछ गलत था, पर वो ना समझती, और ठीक उसी तरह मेरी राशि भी ना समझ है। मैं चाहती हूँ कि राशि ने गलत किया, वो बच्ची है परिधि, उसे सही गलत नहीं पता, पर मुझे मुझे अपनी राशि पर पूरा भरोसा है और अपनी माँ जी के परवरिश पर भी। सच्चाई जानने के बाद मेरी राशि ऐसा कुछ नहीं करेगी जिसके वजह से तुम्हें या किसी को भी कोई भी परेशानी। और रही बात राधा की, जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ हालातों के कारण हुआ था, पर बड़ी बहन होने के नाते मैं भी राधा को सही दिशा नहीं दिखा पाई, सही और गलत का फर्क नहीं समझा पाई, इसलिए तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ कि तुम्हें अगर दोष देना है तो सिर्फ राधा को नहीं, मुझे भी दो। जीवन में हमें पाप का अंत करना पड़ता है, पापी का नहीं। मेरी राशि राधा जैसी ना बने, इसीलिए मुझे अपनी बेटी के रूप में राशि को अपनाना पड़ा। नहीं गोपी बहन, आपने चाहे इसे अपना लिया हो, लेकिन मैं इस लड़की को कभी नहीं अपनाऊंगा, और किसी भी कीमत पर ये इस घर में नहीं रह सकती। निकलो। परिधि, सॉरी मॉम। डैड, 10 साल पहले आप चुप रहे थे, इसलिए छोटी दादी को राशि को लेकर इस घर से बाहर जाना पड़ा था। लेकिन डैड, अगर आप चुप रहे ना, तो एक बार फिर से हमारी बहन राशि को इस घर से बाहर जाना पड़ेगा। ये यहाँ नहीं रह सकती। चलो। परी, राशि का हाथ छोड़। मैंने तुमसे कहा राशि का हाथ छोड़। मैं जानती हूँ परिधि कि राशि ने मुझे मारने की कोशिश की, पर उसे सच्चाई नहीं पता थी। परिधि, मैं राशि की हालत समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम समझ कर भी नहीं समझना चाहती।
इस उम्र में बच्चे अपने माँ बाप के आंखों से दुनिया देखते हैं। माँ बाप जो कुछ भी बोलते हैं उसी को सच मान लेते हैं। इसलिए माँ बाप का फर्ज बनता है कि अपने बच्चे को सही और गलत का फर्क समझाए। मेरी बात मानो परिधि, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस एक उसे एक बार अपना कर तो देखो परिधि, तुम्हें उसके बाद यही लगेगा कि मैं जो कह रही हूँ वो सही कह रही हूँ। प्लीज मैं इसे कभी नहीं अपना पाऊंगी गोपी बहन। मैं जब इस घर में शादी करके आई थी मुझे एक भी काम नहीं आता। मैंने जो कुछ भी सीखा है वो आपसे ही सीखा है। मैंने आज तक आपसे कभी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया। जब मैं शादी करके इस घर में आई तब मुझे तेलू मोलू की जिम्मेदारी सौंपी गई और मैंने खुशी खुशी दोनों को अपनाया। एक सगी माँ से बढ़कर मैंने दोनों को प्यार दिया। लेकिन आज आज क्या किया आप सबने मेरे साथ? एक पराई लड़की के लिए आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। जब आप इस घर में नहीं थी गोपी बहन तभी इस घर की सारी जिम्मेदारियां मैंने बखूबी निभाई। कभी किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं थी। जब आप वापस आई तो खुशी खुशी मैंने आपको आपकी जगह वापस दे दी। लेकिन आज आज मुझे ऐसे लग रहा है कि इस घर में ना ही मेरा कोई अपना वजूद है, ना ही कोई अपनी पहचान। सिर्फ मेरे नाम के पीछे जिगर मोदी का नाम जोड़कर मुझे इस घर का हिस्सा बना दिया गया। मेरी फीलिंग्स की किसी को कोई कदर नहीं। मैं खुश हूं, दुखी हूं, कैसी हूं इससे किसी को कोई लेना देना नहीं। आज मैं अपनी पहचान पाकर रहूंगी इस घर में। चलिए चलिए मेरे साथ। परी हाथ रखकर कसम खाई, मैं आज आपसे जो मांगूंगी आप मुझे देंगे। पर ये क्या बचपना है? आपको जो समझना है वो समझिए जी। आपको वचन देना हो राशि कहाँ है? खोलू पोलू काकी जी, वो रही राशि। राशि बेटा, राशि 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 दरवाजा खोलो। राशि बेटा दरवाजा खोलो बेटा। भाई मुझे लगता है हमें दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा। हाँ जी जल्दी से जल्दी दरवाजा तोड़ी। इस लड़की का कोई भरोसा नहीं, अगर इसने कमरे के अंदर आग लगा दी खुद तो मरेगी, हम सबको लेकर मरेगी। परिधि क्या बोल रही हो तुम? नहीं है जी, इस वक्त राशि बहुत घबराई हुई है और ऐसे में अगर हम लोग दरवाजा तोड़कर अंदर जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा डर जाएगी, इसलिए हमें जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। काशी बेटा, बेटा तुम अपनी माँ की बात सुन रही हो ना? हम सब जानते हैं बेटा कि तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। अपनी माँ की बात मान ले और दरवाजा खोल दे बेटा प्लीज। गोलू पोलू देखो, बात तुमको आदेश दे रही है,
कि दरवाजा खोलो। मैं तुमसे वादा करती हूं मेरी गोलू पोलू को कोई कुछ नहीं कहेगा। अच्छा ठीक है, तो मेरी भी बात एक सुन ले। अगर तू जिद्दी है ना तो हम सब जिद्दी हैं। जब तक दरवाजा नहीं खोलेगी तब तक हम में से यहां से कोई नहीं जाएगा, सब यहीं बैठे रहेंगे। कोर्ट, इन लोगों का ड्रामा तो नेवर एंडिंग है। मुझे तो नींद आ रही है। राशि, बेटा तुझे पता है जब तेरा जन्म हुआ था ना सबको कितनी खुशी हुई थी, है ना माँ जी? मेरी गोलू पोलू तो दुनिया की सबसे अच्छी बच्ची है। नहीं बाप, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बुरी हूँ। मैंने अपनी मम्मी की तरह गोपी माँ को मारने की कोशिश की है, मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं राशि, ऐसा नहीं कहते बेटा, हम में से कोई तुझसे नाराज नहीं। पक्का मैं बुरी नहीं हूं ना? नहीं राशि, बिल्कुल भी नहीं, तू तो बहुत अच्छी लड़की। और परिका की ने जो कहा मानने वाली बैड गर्ल, वो भी नहीं हूं ना? नहीं बेटा, तू तो बहुत गुड गर्ल है। अच्छा राशि, मैं ना तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी है भक्त प्रहलाद की। तुम्हें पता है भक्त प्रहलाद का जन्म राजा हिरण्यकश्यप के घर पे हुआ था, जो कि एक राक्षस गण से थे। और हिरण्यकश्यप अपने आप को ही भगवान मानते थे और वो ये समझते थे कि भगवान विष्णु उनके दुश्मन है। पर प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे और इसीलिए हिरण्यकश्यप ने बहुत बार कोशिश की भक्त प्रहलाद को मारने की। पर तुम जानती हो, खुद भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार धरा और हिरण्यकश्यप का वध किया। तुम जानती हो राशि, भक्त प्रहलाद थे तो राक्षस के बेटे, पर फिर भी उन्होंने कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी बुरा नहीं किया। ठीक उसी तरह राशि, तुमने भी आज तक किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं सच कहूं तो इंसान का जन्म किस घर में हुआ है, किस स्थिति में हुआ है और कहां हुआ है, ये मायने नहीं रखता। बस इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, यही ज्यादा जरूरी। बेटा अब तो दरवाजा खोल दे, मैं सच कह रही हूँ बेटा, तुम बहुत अच्छी लड़की। प्लीज अपनी माँ की बात मान ले। मैंने आपको मारने की कोशिश की और मुझे ये भी नहीं पता था कि आपने मुझे बचाने के लिए उन्हें मारा था। बस राशि बस। मेरी गोलू पोलू तो बहुत अच्छी बच्ची है, आइंदा कभी भी ऐसा मत करना वरना तुम्हारी बाप जीते जी मर जाएंगे। नहीं बाप, ऐसा मत कहो ना। ठीक, नहीं कहेंगे ऐसा, लेकिन तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी। तुम अंदर जाओ और आराम करो। माँ, मैं गुड गर्ल हूँ ना? हाँ मेरी गुड़िया, तू बहुत गुड गर्ल है। चलो अब सो जाओ। साथ निभाना साथिया।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।